मणिपुर में हो रही हिंसा और दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर लोगों के बीच घुमाने के हुए वायरल वीडियो के बाद पूरे देश में इस घटना का विरोध हो रहा है, जहां NSUI ने DAVV कैंपस में आज विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। NSUI के इंदौर जिला अध्यक्ष रजत पटेल ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बयान जारी करती है, लेकिन मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, जहां देश को शर्मसार करती एक घटना बीते दिन हुई, जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, किंतु मोदी सरकार इस मामले में किसी प्रकार का कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री NBN सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग NSUI के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए की है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग कहे जाने वाले NSUI के लोग आज खंडवा रोड स्थित DAVV कैंपस में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा एक पोस्टर जलाने की कोशिश भी NSUI के लोगों के द्वारा की गई, वहीं पुलिस के रहते वह नाकाम रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी हल्की झड़प भी हुई, जहां मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगे। प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि अभी हाल ही में कितने दिनों से ये विरोध वहाँ पर हिंसा कंटिन्यूसली चल रही है। वहाँ की सरकार ने आँखों में पट्टी बांध के रखी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर चुप्पी है, कुछ बोल नहीं रहे इस बारे में। तो क्या उनको आज मणिपुर के लोग नहीं दिख रहे, जो बड़ी बड़ी बात करते थे, हवा में जो बातें करते थे, आज क्या उनको मणिपुर के लोग नहीं दिख रहे? क्या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिख रहा है क्या? आज प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चुप्पी साध के वहाँ बैठे तो क्यों? इसका कारण क्या है? क्या लोगों को संरक्षण वही दे रहे हैं? क्या लोगों को यही बोल रहे हैं कि दंगे कराइए? क्यों वो रोक नहीं पा रहे? क्यों वो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे? क्यों आज वो चुप बैठे? उसको लेकर आज हम लोगों ने आप विरोध प्रदर्शन। क्या क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग है कि जिन्होंने अभी हरकतें करी है महिलाओं के साथ, उनको फांसी की सजा मिले, और जो भी आगे चलकर ये 70 दिन का मुद्दा है, ये 70 दिन से अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी है? क्यों इस चीज़ से उनने अपने आँखों में पट्टी बांध रखी? हमारी यही मांग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा दिलवाए, और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उन पर फांसी की सजा हो। रजत सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष NSUI इंदौर।